कैसे करें घर में वैदिक वास्तु शांति? क्या आप अपना घर बना रहे हैं? क्या आपने घर में वैदिक वास्तु शांति की है? अगर नहीं तो आज ही करें वैदिक वास्तु शांति, ठीक 2:05 पर। क्या है वैदिक वास्तु शांति के सरल उपाय, जानिए IBN 7 पर लाइव, ठीक 2:05 पर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, aapka.vastu@network18online.com, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। लगातार दशकों में बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब आप इस कार्यक्रम को हमारी वेबसाइट यानी www.ibnkhabar.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही इस वेबसाइट के जरिए आप हमें अपने घर का वीडियो और नक्शे भी भेज सकते हैं, जिसका ज्योतिष वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा आपको जवाब देंगे। तो इससे पहले कि दर्शकों से बात करने का सिलसिला शुरू करें, पंडित जी आपकी इजाजत चाहिए, एक ईमेल मैं ले रहा हूं। सबसे पहले ईमेल हमें भेजा अमित कुमार ने, इन्होंने आपको अपना बायोडाटा भी जो है वो भेजा है, जिसमें नक्शा है इनका। ये लिखते हैं कि मेरा जो हाउस का डिजाइन है वो ईमेल के जरिए भेजा है, हेल्थ प्रॉब्लम रहती है और 2 एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है 2007 के बाद से, तो इसका मैं क्या करूँ ये जानना चाहते हैं। अमित जी, आपका जो नक्शा है इसमें सबसे बड़ा दोष ये है कि आपका जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण और पूर्व का प्रवेश है। ये प्रवेश किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति से, ऐसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए, आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है आपके लिए। आपको करना यह है कि एक पंचमुखी हनुमान की छोटी सी तस्वीर लेते आए और उनको अपने प्रवेश द्वार के ऊपर बाहर की तरफ लगा दीजिए। जब भी आप सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने घर में पूजा करते हैं, उनको भी 2 अगरबत्ती दिखा दीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुमन है हमारे साथ इस वक्त खंडवा मध्य प्रदेश से। सुमन, क्या है आपका प्रश्न? पंडित जी प्रणाम। हमारा मकान जो है 11x50 का प्लॉट है, तो हम उसको बनाना चाहते हैं। तो पंडित जी, वहाँ सेफ्टी टैंक कहाँ बनाए और ये वायु ठीक रहेगा के लिए कुछ उपाय? देखिए, 11x50 का जो आपका प्लॉट है ये वास्तु सम्मत थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर करने के लिए इसको बीच में 1 या 2 जगह आपको तांबे का तार डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने सेप्टिक टैंक के लिए पूछा है, तो उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र जो है सेप्टिक टैंक के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। मीनाक्षी है मेरठ से। मीनाक्षी, आपका प्रश्न? हेलो जी। जी, सवाल पूछिए। हमने अपना घर बनाया 2007 से, लेकिन इसमें मुझे वो नहीं लगता जी, आराम नहीं लगता, जैसे तबीयत खराब रहती है जी। देखिए मीनाक्षी, इस घर में आपको करना यह है कि अपने घर का जो ईशान कोण है वो बहुत साफ सुथरा, जागृत और ऊर्जावान रखने के लिए वहां पे एक तुलसी का पौधा रख लेना, भगवान शिव या गणेश जी को स्थापित कर देना, उनकी फोटो लगा करके वहां पे 2 अगरबत्ती दिखाना, तुलसी के पेड़ में जल देना, अर्घ देना। पूर्णिमा के दिन, आज के दिन से आप कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा दूध का अर्घ संध्याकालीन समय में तुलसी के पेड़ में देना, आपके सभी कष्ट सभी समस्याओं को बहुत जल्दी दूर कर देगा। तो चलिए, हम दर्शकों से तो बात कर ही रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कहा aapka.vastu@network18online.com ये हमारा ईमेल का पता है, इस पर आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं और पंडित जी उनका समाधान यहीं बताएंगे, यदि कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है। विजेंद्र है झारखंड से इस वक्त। विजेंद्र, आपका सवाल? जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी जी सर, हमारा मकान बहुत पहले का बना हुआ है सर, उस समय वास्तु शास्त्र के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जी। तो हमारा कुआं सर ईशान कोण में है, लेट्रीन जो है सर वाइब कोण में है, दरवाजा मेन दरवाजा प्रवेश करते समय उत्तर में, निकलते समय दक्षिण में है जी। और सर हमारे पिताजी हैं जो कि लगभग 70 साल के हैं, वो पिछले 5 महीने से बीमार चल रहे हैं सर, तो उनका जो स्थान है वो आग्नेय कोण में है, सोने का स्थान सर जी। देखिए, आपके घर में काफी चीजें वास्तु सम्मत है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे यहाँ पुराने वो होते थे, आर्किटेक्ट होते थे, मिस्त्री हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे जानकार होते थे वास्तु के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईशान कोण का जो आपका बोरिंग है बहुत अच्छा है। आपको अपने दक्षिण मुखी दरवाजे का उपाय करना है, वहां पे एक दुर्गा यंत्र सिद्ध करके लगा दीजिए, जो भी कष्ट है, स्वास्थ्य की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। पंडित जी 2:05 हो चुके हैं, ये वो वक्त है जब आपको चमत्कारी जो उपाय है वो बताना है। जी बिल्कुल, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपने घर का निर्माण किया, आपने घर में प्रवेश किया, आपको फिर भी लाभ नहीं मिला, ऐसे में सारी वैदिक शांति वैदिक प्रक्रिया आपने तो कर ली, लेकिन कहीं ना कोई कमी ऐसी रह गई जिससे उसका आपको लाभ नहीं मिला, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? आपको करना यह है कि किसी शुभ तिथि में, आप पूर्णिमा के दिन या एकादशी में प्रदोष में अपने घर पर 5 ब्राह्मण 9 कन्या और 3 वृद्ध को आमंत्रित कर ले। एक बार पुनः सुन लें,
किसी शुभ तिथि में पूर्णिमा के दिन, और उसके अलावा आप तो प्रदोष के दिन बुला सकते हैं, एकादशी के दिन बुला सकते हैं। 5 ब्राह्मण, 9 कन्या और 3 वृद्ध को अपने घर पर यदि आप आमंत्रित करें, उनका पूरा स्वागत सत्कार करें, उनको अच्छा सा भोजन कराएं, पूरी अपनी श्रद्धा के हिसाब से सात्विक भोजन कराना चाहिए, और उसके बाद आप उनकी विदाई अन्न वस्त्र और कुछ दक्षिणा के साथ करते हैं। ये एक ऐसा उपाय है, इसको करने से बिना किसी खर्च का उपाय, बहुत कम से कम खर्च में बहुत सरल तरीके से आपके घर का जो भी वास्तु दोष है, कितनी भी बड़े से बड़े वास्तु दोष हो, आपने वास्तु शांति की हो या ना की हो, ये प्रयोग करने से आपके वास्तु दोषों में भी आपको बहुत राहत मिल जाएगी और वास्तु शांति भी अपने आप हो जाती है। हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला ये प्रयोग। देखिए पंडित जी ने कितने खूबसूरत तरीके से आपको ये जो है उपाय बता दिया, लेकिन पंडित जी को यहाँ मुक्ति देने वाले नहीं है। पंडित जी जो पहले से घर में रह रहे हैं, यानी जो जिनका अपना घर है वो रह रहे हैं, क्या वो भी ये सब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि यदि आपने घर बनाया, प्रवेश किया और आपको लाभ नहीं मिलता तो भी आप कर सकते हैं। आपने नया घर बना लिया, आप नया घर बना करके प्रवेश करना चाहते हैं तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। हर परिस्थिति में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला देने वाला ये बड़ा सरल और बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग। पंडित जी एक और जिज्ञासा मन में उठती है, सिंहमुखी शेरमुखी मकान होता है, 3 साइड ओपन मकान होता है, डुप्ले अगर आपका है और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर एक आंगन बड़ा सा खुल रहा है सामने, क्या यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वास्तु के हिसाब से? देखिए हर चीज की अलग अलग व्याख्या होगी। सिंहमुखी मकान रहने के लिए ठीक नहीं होता, व्यापारिक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। फिर उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न किया कि अगर डुप्ले है और ऊपर बहुत जगह खुल रही है तो वो लाभकारी होता है, वो कहीं ना कहीं से आपको लाभ देगा, लेकिन आपको उसका लाभ लेने आना चाहिए। और दूसरा आपका तीसरा प्रश्न ये था कि अगर फर्स्ट फ्लोर जो आपका है उसके सामने एक आंगन खुलता है, जी बिल्कुल, उसमें उस परिस्थिति में भी आपको लाभ मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ ये होना चाहिए, आपको ध्यान ही देना चाहिए कि जो आंगन खुल रहा है वो दिशा कौन सी है। यदि वो उत्तर और पूर्व है तो निश्चित लाभ मिलेगा, दक्षिण और पश्चिम है तो निश्चित आपका नुकसान हो सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। अंजू है लखनऊ से, अंजू आपका प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। मेरा घर मतलब 10x40 है मकान लंबाई, और ऐसे चौड़ाई है 10 की जी, पर मेरे घर में हमेशा बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा और मतलब एक्सीडेंट हो जाता है हमेशा, और मतलब बहुत परेशानी, पैसा आता है रुकता भी नहीं है, और आगे मतलब घर के आगे जी मैं समझ गया। देखिए आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि ईशान कोण को और आग्नेय कोण को, अर्थात दक्षिण और पूर्व का जो कोना है उसको बहुत साफ सुथरा रखें, उसको ऊर्जावान रखना घर की सभी समस्या कलह झगड़े से मुक्ति मिलने का बहुत बड़ा कारक होता है, रास्ता होता है। तो उस जगह पे आप संध्याकालीन समय में एक लाल बल्ब जला सकते हैं, या आपको वहां पे अगर कनेक्शन नहीं मिलता, आपको प्रॉब्लम आती किसी भी प्रकार से, तो सरसों के तेल का एक दीपक आज से शुरू करके आने वाले 40 दिन तक जलाइए, हर प्रकार के कष्ट कलह और झगड़े से आपको मुक्ति मिलेगी। उषा है गाजीपुर से, उषा आपका सवाल। उषा आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपका सवाल। पंडित जी दो प्रश्न हमको पूछना है। जी एक तो मुख्य द्वार मेरा पूरा मुखी है, और उसके ठीक सामने पीछे भी एक दरवाजा है, और तो ऊपर मकान के ऊपर पिलर बनाए जाए अंतिम। जी दूसरा प्रश्न बताइए। बीच में है, देखिए समय हमारे पास बहुत कम होता है, देखिए आपका जो प्रश्न है, आपने कहा कि पूर्व में एक द्वार है उसके ठीक पीछे दूसरा द्वार है, तो सबसे पहले शास्त्र की बात यह है कि पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में द्वार नहीं होना चाहिए, तो आपसे आग्रह यह है कि आप पश्चिम मुखी जो द्वार है उसको बंद कर दें, निश्चित तौर पे आप उसके ऊपर पिलर बना करके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। विमलेश है दिल्ली से, विमलेश आपका सवाल क्या है? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, वास्तु शास्त्र के बिना तो मुझे पता नहीं है, पर हमारे घर में 24 घंटे ना झगड़ा रहता 12 महीने, और जो भी काम करते हैं वह सब हमारे पीछे काटता, जैसे अब जो भी काम शुरू किया काटे में ही जाता रहा। जी देखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा सरल सा उपाय ये रहेगा कि अपने घर में दक्षिण दिशा में भगवान गणेश की एक फोटो लगा दीजिए। फिर से समझ लीजिए, दक्षिणी दीवार पर एकदम बीच में मध्य स्थान में भगवान गणेश का एक चित्र लगा दें, और संध्याकालीन समय में आज से शुरू करके आने वाले 43 दिन तक एक सरसों के तेल का दीपक वहां अवश्य लगा दिया करिए, जितना भी आपका आर्थिक नुकसान है, आर्थिक हानि है, पारिवारिक क्लेश है, सब थम जाएगा। पंडित जी बहुत सारे कॉलर्स हैं हमारे पास, लेकिन एक ईमेल जल्दी से हम और ले लेते हैं। ये है राहुल गुप्ता गांधीनगर दिल्ली से, इन्होंने हमें ये नक्शा आपको भेजा है। ये कहते हैं कि हम 3 फैमिली मेंबर हैं और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सवाल यह है कि मुझे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही और मेरी माँ की जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती, कुछ उपाय बताएं।
देखिए राहुल, आपका जो प्रवेश है वो पश्चिम मुखी, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम मुखी प्रवेश है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा कष्ट आ रहा है और उसके साथ साथ जो स्टेयर्स जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है, आपको करना ये कि आपका जो पश्चिम मुखी प्रवेश है वहां पर आप माँ दुर्गा का एक यंत्र सिद्ध करके दुर्गा बीसा यंत्र अपने पश्चिम मुखी द्वार पर लगा दीजिए, बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। पूनम है जयपुर से, पूनम पंडित जी से आप क्या प्रश्न करना चाहती? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हमारा घर जो है वो निकलते समय पूरब मुखी है और जब अंदर घुसते हैं तो पश्चिम है जी, और तीन सीढ़ियां जो उत्तर की तरफ गई हैं, फिर सीधे और पूरब की तरफ गई हैं जो ठीक है क्या? और मंदिर में गुंबद रखना चाहिए कि नहीं? लकड़ी के मंदिर में बनाए रखते हैं उसमें गुंबद रहना चाहिए, और झाड़ू पोछा और चप्पल कहाँ रखते हैं? देखिए घर में मंदिर में गुंबज नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी छाया घर में पड़ती है तो वो ठीक नहीं है, उसकी परछाई नहीं आनी चाहिए। घर में जो मंदिर बनाते हैं उसमें गुंबज बनाने का कोई तात्पर्य हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है। तीन सीढ़ियां प्रवेश पर ईश यमराज करके गिनी जाती हैं तो ये बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। घर में झाड़ू पोछे कहाँ रखने चाहिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक आम महिला से, हर एक गृहिणी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किसी भी बाहरी आने वाले का या किसी आगंतुक व्यक्ति का, आपके घर में आने वाले मेहमान की दृष्टि आपके घर के झाड़ू पोछे पे नहीं पड़नी चाहिए। उसका कारण यह है कि झाड़ू जो है वो मां अन्नपूर्णा का अस्त्र शस्त्र है, वो घर की लक्ष्मी से जो संबंधित होता है, तो उसको किसी ऐसे स्थान में दक्षिण और पश्चिम में रखें जहां वो सुरक्षित हो, किसी की दृष्टि ना पड़े। शाश्वत है गोरखपुर से हमें फोन कर रहे हैं, आपका प्रश्न। जी हेलो। जी जी सवाल पूछिए। प्रेस का बिजनेस है लेकिन वहाँ बढ़िया चल नहीं रहा है, हम बहुत परेशान हम लोग हैं जी। देखिए ऐसी स्थिति में आपको अपने कार्य क्षेत्र में और अपने परिवार में जो भी आपके व्यापार का जिम्मेदार व्यक्ति है, परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य जो व्यापार को देखता है, उसके लिए अपने कार्य क्षेत्र में भी और घर के भी दक्षिण पश्चिम कोने में उनके रहने की व्यवस्था यदि आप कर दें तो निश्चित व्यापार बहुत चलेगा। व्यापारिक स्थान में जो भी आपकी दुकान है, ऑफिस है, जहां से भी आप काम करते हैं, वहां दक्षिण की दीवार पे आपका जो फर्म है, जिस भी कंपनी के नाम से आप काम करते हैं, बड़े बड़े अक्षर में लाल रंग से यदि आप दक्षिण की दीवार पर लिखवा दें कंपनी का नाम तो बहुत जल्दी कीर्ति और प्रसिद्धि मिल जाएगी, व्यापार चल निकलेगा। हम अपने समस्त दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आप ध्यान से ये प्रोग्राम सुना कीजिए, देखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हम फोन पर आपसे बात ना कर पाए, आपका ईमेल हमें ना मिल पाए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स यानी वास्तु संबंधित कुछ भी समस्या यदि होती है किसी दर्शक की, वो पंडित जी से जानना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपकी भी समस्या हो और यहीं पर IBN7 देखते देखते आपको आपकी समस्या का भी समाधान मिल जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु, इसमें वास्तु संबंधित यदि कोई समस्या है आपके घर में और आप उसका समाधान चाहते हैं तो जाने माने वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तुरंत चुटकियों में वो आपकी समस्याओं का समाधान यहीं पर करते हैं। रवि है हमारे साथ, रवि आप कहां से हमें फोन कर रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी नमस्ते, मैं नागपुर से बोल रहा हूं। जी बताइए रवि, सवाल करिए। हां जी, मेरा पूरबमुखी घर है 15x50 का, वो जो मेरा मेन एंट्रेंस है वो ईशान्य कोण से है, लेकिन जो कंपाउंड का जो फाटक है वो आग्नेय कोण से है, तो उससे कोई फर्क गिरता है? जी देखिए फर्क जरूर पड़ता है लेकिन जितना बड़ा आपका प्लॉट है उसमें नहीं पड़ेगा। आपको करना यह है कि ईशान कोण बहुत शुभ है आपके लिए, ईशान कोण का प्रवेश, उसमें थोड़े से उसके शुभत्व में यदि और वृद्धि कर दी जाए, आपके प्रवेश द्वार को और सुसज्जित कर दी जाए। हम लोगों ने प्रवेश द्वार के लिए बताया था कि जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है घर में आने का स्थान, उसको थोड़ा अगर आप साफ सुथरा और सजा के रखेंगे तो जो भी और दूसरे दोष हैं वो उसके सामने कमजोर हो जाते हैं। काव्या है दिल्ली से, काव्या जल्दी से अपना सवाल करें आप। हां काव्या दिल्ली से बोल रही हूं। पंडित जी बच्चों की पढ़ाई की जो टेबल है वो किस दिशा में रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कमरा बनाते हैं उनका स्टडी रूम स्टडी टेबल नॉर्थ ईस्ट में यदि आप रखें, उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखते हैं और पूर्व की दीवार से 6 इंच की दूरी पर रखते हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जब बच्चा पढ़ता है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि पूर्व दिशा उपलब्ध ना हो पाए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ना बैठ सके तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो बिल्कुल अगर आरंभ में खूबसूरती है पंडित जी तो अंत में भी खूबसूरती है, क्योंकि फिर से मिलने की जो उसमें होप है आशा है वो जगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। यहाँ इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त यानी 2 बजे आपका घर आपका वस्तु में पंडित वैभवनाथ शर्मा जी हाजिर होंगे आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दोपहर धमाका आपके साथ होंगी साक्षी और तानिया।